हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री पर। देखिए, आज हम 14 चैप्टर को खत्म करेंगे। ठीक है, 14 चैप्टर का हमारा एक छोटा सा कंसेप्ट रहता है, एक दो क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे और आपको एक ही क्वेश्चन से हम मीन, मोड, मीडियन तीनों किस प्रकार निकाल सकते हैं, इस चीज के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम मीडियन निकालना सीख लेते हैं। हमें कुछ डिफरेंट टाइप, वैसे तो हमने मीडियम निकालना सीख लिया है, लेकिन अब हमें एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, उसको कैसे सोल्व करना है, उसमें कैसे मीडियम निकालना है, ये हम सीखेंगे। जैसे आपके पास एक्सरसाइज है 14.3, इसका एक क्वेश्चन नंबर 3 है जो आपके पास थोड़ा सा डिफरेंट दिया गया है। आपके पास एज दे रखी है, तो देखिए यहाँ पर जो इंटरवल है वो आपको ऐसे दिया गया है कि 20 से कम जो है वो इतने पॉलिसी धारक है, ठीक है, 25 से लेस देन कितने हैं, 6 है, ठीक है। इस तरह हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, तो आपने इसमें क्या करना है, देखिए आपने इसमें एक तो इंटरवल ध्यान से रखना होता है, आपने थोड़ा सा इसका इंटरवल चेंज करना होता है इस तरह के क्वेश्चन का। तो देखिए, आपको पहले जो इंटरवल दिया गया है उसमें आपको इंटरवल दिया गया है लेस देन 20, लेस देन 25 आपको ऐसी एज दे रखी है, ठीक है। तो आपको दे रखा है कि लेस देन 20 है, लेस देन 25 है, ठीक है। तो इस तरह से आपको नंबर ऑफ पॉलिसीज दी गई है, नंबर ऑफ पॉलिसीज जो भी दे रखी हैं आपको, ठीक है, वो आपको दी गई है। अब आपने देखना है कि आपने जो इंटरवल दिया गया है और जो नंबर ऑफ पॉलिसीज दी गई है, ये आपको क्या दे रखा है। आपके पास ये फ्रीक्वेंसी है, ये CF है। तो जनरली इस तरह के क्वेश्चन में जब लेस देन 20, लेस देन 25 इस तरह का इंटरवल होता है तो उसके केस में हमें CF दिया जाता है, उसके केस में हमें क्या दिया होता है, CF। तो आपने क्या है, यहां पर आपने फ्रीक्वेंसी लिखनी होती है, ठीक है, जो आपने इस क्वेश्चन में निकालनी है, ठीक है। और CF जो होता है कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, उसको आपने यहां पे लिखना होता है। अब देखिए, आपको जो ये इंटरवल दिया गया है लेस देन 20, 25, इसको आपने चेंज करना होता है। चेंज कैसे करना है, आपने इसको ऐसे चेंज कर लेना है कि 0 से 20, जिसमें 0 से 20 तक आ गई है, ठीक है। इसके बाद आता है 20 से 25, फिर आता है 25 से 30, फिर आता है 30 से 35, देन 35 से 40, और 40 से 45, और 45 से 50, 50 से 55, और 55 से 60। तो ये आपको दिया गया है। अभी आपने क्या करना है, देखिए आपको फ्रीक्वेंसी ना देके इस क्वेश्चन में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी गई है, क्योंकि आप देखिए जितने नंबर ऑफ पॉलिसीज हैं टोटल वो आपको 100 दी गई है, और जो आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखी है, जो आप फ्रीक्वेंसी नजर आ रही है उसमें जो सबसे लास्ट टर्म है वो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी के इक्वल है। ऐसा तभी होता है जब हमें CF दिया होता है, CF में जो सबसे लास्ट टर्म होगी वो इन सारी फ्रीक्वेंसी के जोड़ के बराबर होती है। ये हमने लास्ट टाइम मीडियन में पढ़ा है। अगर आपने मीडियन की वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पे वो मीडियन निकालना सीख सकते हैं, बिल्कुल ही आसान मेथड हमने सिखाया है मीडियन निकालने का। तो वहां पर आपको पता लग जाएगा कि जो फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है वो CF के लास्ट टर्म के बराबर होता है। तो यहाँ पर लास्ट टर्म हमें देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, लास्ट टर्म 100 दी गई है, तो फ्रीक्वेंसी जो टोटल नंबर ऑफ पॉलिसीज है वो भी हमें कितनी दी गई है, 100। तो इसका मतलब जो हमें यहाँ दे रखा है क्वेश्चन में वो क्या दिया हुआ है, कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ना कि फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लिख लेते हैं कि कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92 और 98 और 100, ठीक है। अब हम देखिए फ्रीक्वेंसी निकालनी है। इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं मीडियन के, उसके अंदर हमने फ्रीक्वेंसी से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना सीखा है कि फ्रीक्वेंसी की फर्स्ट टर्म को एज इट इज रखते हैं और नेक्स्ट टर्म को उसमें ऐड करते हुए जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हो और हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी हो, तब हमने क्या करना है, देखिए जो फर्स्ट टर्म है उसको एज इट इज लिखना है, ठीक है।
अब जो नेक्स्ट टर्म आएगी फ्रीक्वेंसी की वो कैसे आएगी, 6 माइनस 2। अब आपने इसमें से इसको माइनस करना है, 6 माइनस 2 तो कितना आ गया है 4। 24 माइनस 6 तो यहां पर कितना आ गया है 18। तो 45 माइनस 24 तो ये कितना आ गया है 21। 78 माइनस 45 तो यहां पर कितना आ गया 33। 89 माइनस 78 तो कितना आ गया है 11। इसके बाद 92 माइनस 89 तो ये कितना आ गया है 3। 98 माइनस 92 तो ये कितना आ गया है 6। और 100 माइनस 98 तो ये कितना आ गया है 2। अब आप इसको ऐड कर लीजिए, अगर आपका ऐड करके जो सम है वो 100 आ जाता है तो इसका मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आप ऐड करके भी देख सकते हो इसका सम कितना आएगा 100। अब हमें नेक्स्ट उसी प्रकार करना है जिस तरह हमने आपको सिखाया है कि मीडियन निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास है कि मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाय टू माइनस सी एफ अपॉन एफ और इनटू में एच। तो देखिए, अब हमें सबसे पहले एन की वैल्यू दी गई है 100 है, एन कितना है 100, तो हमारे पास एन अपॉन टू कितना होगा 50। अब एफ देखिए कैसे निकालते हैं, हमारे पास जो भी एन अपॉन टू की वैल्यू आती है जैसे 15 आ गई है तो हमें इससे लार्ज वैल्यू देखनी होती है सी एफ के अंदर कि 15 से लार्ज वैल्यू कौन सी है या इसके नियरेस्ट वैल्यू कौन सी है। ठीक है, तो देखिए वैसे तो हम देखें ये सी एफ दिया गया है 45 है, इसके नजदीक आता है 78 है। ठीक है, या तो 45 है या क्या है 78, बाकी सभी दूर है। ठीक है, सबसे नजदीक के तो यही दो है, तो इन दो में से हम कौन सी लेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो देखिए हमें वो वैल्यू चूज करनी होती है जो 50 से या तो इक्वल होगी या इससे बड़ी होगी, छोटी वैल्यू हमने इसे नहीं लेनी होती है। तो इससे बड़ी वैल्यू कौन सी है 78 है, 45 से इससे छोटा है, तो हमने 78 की जो सामने वाली फ्रीक्वेंसी है इसको एफ मानना होता है। इसको हम क्या मान के चलते हैं एफ, तो हमें एफ इज इक्वल टू कितना आ गया है 33। इसके बाद जो एफ होता है उसके सामने वाला जो इंटरवल है उसकी लोअर लिमिट को हम एल बोल देते हैं, तो हमारे पास उसके सामने वाला इंटरवल है 35 से 40। तो 35 से 40 में एल की वैल्यू कितनी आ गई है 35। इसके बाद आता है सी एफ, जो हमने एफ लिया है उससे जस्ट एक ऊपर वाला जो होता है उससे उसके सामने का जो सी एफ है, सी एफ से एक ऊपर का जो सी एफ है, ठीक है, जो उससे ऊपर वाली टर्म है इसको हम सी एफ मान के चलते हैं, और सी एफ हमारे पास कितना आ गया है 45। देन हमारे पास एच रहता है, एच क्या होता है जो भी हमें इंटरवल दिया गया है उसके बीच का जो गैप है, देखिए यहां पर गैप कितने का है, तो देखिए गैप है 5 का, तो हमारे पास एच की वैल्यू कितनी है 5 आ गई है। ठीक है, अब हम फॉर्मूला बताते हैं कि मीडियन इज इक्वल टू एल, एल कितना है 35 प्लस एन अपॉन टू कितना है 50 माइनस सी एफ कितना है 45 अपॉन एफ की वैल्यू कितनी है 33 और मल्टीप्लाई में कितना है 5। ठीक है, अब आप देखिए 35 प्लस 50 में से 45 आपने माइनस किया तो हमारे पास आता है 5, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 अपॉन 33। तो अब आप देखिए आपने इसको डिवाइड करना है, सबसे पहले तो ये वैल्यू छोटी है तो 0 पॉइंट आ जाएगा, तो देखिए ऊपर से तारा 0 तो यहाँ 250 हो गया है, तो 7 पे जाएगा। ठीक है, देन क्या है अब ये 6 पे चला जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास देखिए डिवाइड, आपने इसको डिवाइड कर लेना है, अलग से आप इसको डिवाइड कर सकते हो, तो ये वैल्यू आ गई है
तो अब हमने इसको इसमें ऐड करना है, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 35.76। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने मीडियन निकालना है। ठीक है जी, ये मीडियन निकालना है। अगर आपको जो इंटरवल है वो लेस देन 20, 25, 35, लेस देन 40 ये इस प्रकार दिया गया है, तो उस क्वेश्चन को हमने इस तरह से सोल्व करना है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बहुत ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, और ध्यान से इसको समझ के आपने करना है। बस आपको ये चेंज करना आना चाहिए कि एक तो हमने इसमें इंटरवल को चेंज करना है। ठीक है, उसके बाद हमें सी एफ दिया गया है, ना कि एफ। और एफ निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, जो नेक्स्ट टर्म है उसमें से अपने लास्ट टर्म को माइनस करना है। ठीक है, और माइनस करने के बाद आपको सी एफ की वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, तो इसके बाद हमने सेम एज इट इज मीडियम निकालने का फॉर्मूला लगाना है। ये सभी चीजें आपने फॉर्मूले में जो यूज होंगी उनको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आपने इनको फॉर्मूले में फिक्स कर देना है, और जो भी प्लस माइनस करने के बाद जो भी आपका आंसर आता है दैट इज द आंसर। ठीक है, इज मीडियन। ठीक है, ये भी आपका मीडियन निकल के आ जाता है। इस प्रकार आपने क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट आता है, अब हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर हम मीन, मोड और मीडियन तीनों चीजें निकालना सीखेंगे। ठीक है जी, उसके अंदर हम तीनों चीजें निकालना सीखेंगे। इस तरह का क्वेश्चन आपको अगर पूछ लिया जाता है तो आपने उसको सोल्व करना है। ठीक है, तो देखिए अगर आपको तीनों चीजें पूछी गई हैं, ठीक है, देखिए वैसे एक्सरसाइज में पता नहीं ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है या नहीं जिसमें, अच्छा देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ही है। ठीक है, जिसमें आपको मीडियन, मोड और मीन तीनों चीजें फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसी को चलो मैं आपको करके दिखाता हूं कि आपने कैसे करना होता है। सबसे पहले आपको इंटरवल दिया गया है, जो भी इंटरवल आपको दिया गया है, ठीक है, उसको हम लिख लेते हैं। उसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है, फ्रीक्वेंसी को जनरली हम एफ आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए दोनों चीजें पहले हम लिख लेते हैं, 65 टू 85। ठीक है, 85 टू 105 और 105 से 125 और 125 से है 145 और 145 से 165, 165 से 185 और 185 से 205। ठीक है, ये आपको इंटरवल दिया गया है। ठीक है, इसके बाद फ्रीक्वेंसी जो दी गई है वो हम लिख लेते हैं, 4, 5, 13, 20, 14, 8 और 4 ये आपको दिया गया है। अब देखिए इसमें हमने मीन, मोड और मीडियन तीनों चीजें निकालनी है, तो सबसे पहले हम मीन के लिए मिड पॉइंट इसका निकाल लेते हैं, मिड पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट हमें पता है कि मिड पॉइंट कैसे निकालना होता है, हमने मीन में सीखा है कि जो भी हमें इंटरवल दिया गया है उनके बीच का हमने पॉइंट लेना होता है। ठीक है, तो उनके बीच में देखिए कौन, अगर आपको पता नहीं लग रहा है कि इसके बीच का पॉइंट क्या होगा तो आप इन दोनों को जोड़ सकते हैं। तो देखिए 5 और 5 10 हो गया है। ठीक है, और 8 से 14 और 1 15 हो गया है, इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 75 आ जाता है। कितना आता है, 75। अब अगला मिड पॉइंट आपने कैसा निकालना है, जो इनके बीच में डिफरेंस है। अब देखिए इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, 20 का, तो यहाँ भी डिफरेंस जो रहेगा वो 20 का रहेगा। तो इसमें जब हम 20 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 95। 95 में 20 ऐड करेंगे तो 115 में अगर हम 20 ऐड करते हैं तो 135 के बाद आता है 155, 155 के बाद आता है 175 और देन 195। ठीक है, ये हमारे पास मिड पॉइंट आ गया है जिसको हम एक्स आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स आई से। ठीक है, देन हमने एफ आई इंटू एक्स आई निकालना होता है। ठीक है, अभी हम मीन के लिए कार्य कर रहे हैं कि मीन के लिए हमें क्या क्या जरूरत है, तो एफ आई एक्स आई कैसे निकालते हैं, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए 4, 5 या
30 हो गया है, 5 जा 2 नो 47, ठीक है। ये आ गया है करेंगे तो 0 10 3 नो 6 और 1 7। आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ठीक है, अब आपने इनका जोड़ निकाल लेना है, ठीक है। समीशन ऑफ एफ आई और एक्स आई, ये हमने कैलकुलेट करना होता है। इसी तरह समीशन ऑफ एफ आई की हमें जरूरत होती है, इसको हमने कैलकुलेट करना है। ये आपको दिया भी होता है, जैसे इसमें दे रखा है कि 68 है, कितना है 68, ठीक है। तो हमें जो जो चीजें चाहिए वो हम लिख लेते हैं, समीशन ऑफ एफ आई कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 5 5 10 हो गया है, ठीक है। 8 और 7 15 और 9 24 और 7 31 और 1 32 3 आ गया है, 14 15 15 और 7 22 और 4 26 और 4 30 और 3 33 3 3 आ गया है, 3 4 6 और 2 8 8 9। तो ये आ गया है हमारे पास टोटल वैल्यू जो आई है वो 9320 आ गई है, ठीक है। तो अब देखिए, अब हमने इसका मीन निकालना है, ठीक है। मीन हम पहले निकाल देते हैं, मीन इज इक्वल टू समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। तो हम इसको देखिए, हमारे पास ये 9320 अपॉन 68 आ गया है। आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड करने के बाद आपका मीन आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि हमने मोड निकालना है, हमें क्या निकालना है, मोड। देखिए मोड के लिए फॉर्मूला जो होता है वो इस प्रकार होता है, एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू और इंटू में h, ठीक है। तो देखिए एल की वैल्यू, अब हमें सबसे पहले एफ वन निकालना होता है। एफ वन आप फ्रीक्वेंसी से निकाल सकते हैं, जो भी आपके पास सबसे ज्यादा बार वैल्यू आती है या सबसे बड़ी वैल्यू होती है उसको हम एफ वन लेते हैं। तो हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 20, तो इसको हमने एफ वन लेना है। इससे जस्ट एक ऊपर वाला एफ जीरो होता है और इससे नीचे वाला होता है एफ टू, और एफ वन के सामने वाला जो इंटरवल होता है उसकी जो लोअर लिमिट होती है उसको हम एल बोलते हैं, और जो बीच का डिफरेंस होता है उसको हम एच बोल देते हैं। तो यहाँ पर एल की वैल्यू हमारे पास आ गई है 125, एच की वैल्यू 20 है, ठीक है। एफ वन की वैल्यू कितनी है, एफ वन है 20, एफ जीरो है 30 और F2 है 14। देखिए सभी वैल्यू हमारे पास हैं, तो मोड निकाल लेते हैं, 125 प्लस F1 माइनस F0, तो 20 में से 13 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया है, 7। इसके बाद 2 इंटू F1, F1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 40 माइनस माइनस F0 और माइनस F2, F0 और F2 तो कितना आ गया है 27, और मल्टीप्लाई में है h, वो कितना है 20। तो देखिए 40 में से 27 गया, यहां 30 आ गया है, तो हमारे पास आता है 125 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया है, और इसमें से इसको माइनस करते हैं तो ये आ गया है। तो देखिए 129.100, तो यहां पर आ गया है 7, ठीक है। तो इसको हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो 125 प्लस 1.7 तो
126.7, तो ये हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, तो इसके बाद हम मीडियन निकालते हैं। ठीक है, मीडियन निकालने के लिए हमें इसका सीएफ निकालना जरूरी है। ठीक है, देखिये दो चीजें हमने निकाल ली हैं, हमने मीन निकाल लिया है। ठीक है, इसको आप डिवाइड करोगे तो कुछ इसी तरह का आंसर आएगा। ठीक है, इसके बाद मोड हमने निकाल लिया है इसी से। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए हमें सिर्फ, यहां तक आपको समझ आ गया है, इसको ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद हमने मीडियन निकालना है और मीडियन निकालने के लिए हमें सिर्फ सीएफ की जरूरत होती है। ठीक है, तो हम एक सीएफ और यहां पर इंक्लूड कर देते हैं टेबल में। आपने सभी चीजें पहले ही निकाल लेनी है, हमें सीएफ पहले ही निकाल लेना है। ठीक है, तो देखिए सीएफ हम कैसे निकालते हैं। पहली फ्रीक्वेंसी को हम एज इट इज लिखते हैं, फिर इसमें ऐड कर देते हैं 4 + 5 कितना आ गया है 9 और 13 22 और 20 तो कितना आ गया है 42 और 14 तो हमारे पास कितना आ गया है 56 और 8 तो 64 और 4 68 तो देखिए जो हमारे पास इसका टोटल है और जो सीएफ की लास्ट टर्म है वो इक्वल है। इसका मतलब हम जो क्वेश्चन है वो सही कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास, हमें मीडियन निकालना है। क्या निकालना है, मीडियन। मीडियन निकालने के लिए हमें किस किस चीज की, देखिए फॉर्मूला होता है एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ और इंटू में एच। तो एल की वैल्यू देखिए, सबसे पहले हमें n अपॉन टू निकालना होता है। n की वैल्यू होती है जो समीशन ऑफ fi होता है, इसमें हम इसको n बोल देते हैं, n 68 है तो n अपॉन टू कितना आएगा 34। अब हमें एक ऐसी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चूज करनी है जो 34 से अबव हो और 34 के नजदीक हो। तो 34 के नजदीक कौन सी है, देखिए वैल्यू 42, हमारी वैल्यू cf में कौन सी है 42, तो इसके सामने वाला f होता है, इसके सामने वाला क्या होगा F, तो F हमारे पास कितना आ गया है 20 आ गया है। ठीक है, तो F से जस्ट एक ऊपर वाला जो CF होता है उसको हम CF लेके चलते हैं, तो CF कितना आ गया है 22 आ गया है। इसके बाद हमारे पास F के सामने वाले जो लोअर लिमिट होते हैं उसको हम L बोल देते हैं, L 125 है। ठीक है, और जो H की वैल्यू है वो कितनी है 20 है, H की वैल्यू कितनी है हमारे पास 20 है। ठीक है, अब देखिए अब इसको हम मीडियन के फॉर्मूले में पुट करते हैं, जो मीडियन का फॉर्मूला है। ठीक है, उसमें हम पुट करेंगे, तो देखिए मैं आपको यहीं पे सॉल्व करके दिखा देता हूं इसको। ठीक है, मीडियन इज इक्वल टू एल, एल कितना है हमारे पास 125 है, प्लस हमारे पास एन अपॉन टू कितना है 34 है, माइनस सी एफ कितना है, सी एफ की वैल्यू है 22 अपॉन में कितना है F है 20 और H की वैल्यू भी कितनी है 20 है। तो देखिए इससे कैंसिल हो जाता है और 34 माइनस 22 तो यहां पर 12 आ गया है, तो ये कितना आ गया है 137, तो ये आपका आंसर आ गया है। देखिए हमने एक ही क्वेश्चन से अगर मीन, मोड और मीडियन तीनों चीजें निकालनी है तो सबसे पहले आपको जो इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया गया है उसके बाद आपने मिड पॉइंट निकालना है, एफ आई और एक्स आई, इसको एक्स आई बोल देते हैं हम मिड पॉइंट को, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और इसके बाद मीन का फॉर्मूला लगाना है, मीन निकल आएगा, सी एफ आपने निकालना है जो आपका मीडियन निकालने के लिए काम आएगा। ठीक है, मोड आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, उसमें आपको न मिड पॉइंट, एफ आई, एक्स आई और सी एफ किसी की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी से ही हम मोड निकाल लेते हैं। तो ये मोड निकालने का फॉर्मूला है, तीनों चीजें हमने एक ही क्वेश्चन से निकालना सीख लिया है। आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, अगर देखिए वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के पास, जो भी 10th क्लास के आपके दोस्त हैं उनके साथ आप ये वीडियो शेयर जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। हैप्पी लर्निंग।